अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बुहार के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बुहार की बहुत इकसाम है, लेकिन आज हम सादे बुहार के बारे में बात करेंगे जो कि आम होता है। तो देखते हैं कि ये बीमारी क्यों होती है। ज़्यादा गर्मी, सर्दी, मेहनत वगैरह की वजह से आम या मामूली बुहार हो जाता है। इस हालत में जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। जिस्म का आम दर्जा हरारत 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। मुंह के ज़रिए मापा गया दर्जा हरारत बगैर से मापे के दर्जा हरारत के मुकाबले आधा डिग्री ज़्यादा होता है। कभी कभी यह दर्जा हरारत बेकायदा खाने, जहनी जोश और जान वगैरह वजूहत से भी ज़्यादा हो जाता है। बीमारी की शनाख्त देखते हैं। बुखार में बेचैनी का एहसास होता है, सर में दर्द, हाथ पाँव के अजरात में दर्द, जिस्म टूटना, घबराहट, दिल मतराना, खाने से बेरुगबती, ज़ुबान पर मैल जम जाना, सर्दी और कपकपाते का एहसास, पसीने ज़्यादा आना, ज़ुबान खुश्क, नब्ज़ की रफ्तार तेज़, सांस की तेज़ी, पेशाब की कमी वगैरह अलामत दिखाई देने लगती हैं। मरीज को प्यास भी ज़्यादा लगती है। इसके जो मैं आपको घरेलू इलाज बता रहा हूँ वो बहुत सादे से हैं, जो कि आप आसानी से घर में कर सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, 1.5 चम्मच सौंठ और 1 चुटकी फटकड़ी का चूरन पताशे में रखकर मरीज़ को खिला दें। आप तुलसी के 6 अदद पत्ते, स्याह मिर्च के दाने, 7 अदद पीपल, 2 अदद सौंठ की छोटी सी गांठ, इन चारों चीज़ों को 1 कप पानी में उबाल लें। पानी जब 1.5 कप रह जाए तो इसमें मिश्री मिलाकर रोज़ाना सुबह के वक्त खाली पेट इस्तेमाल करें। ये हर तरह के बुखार के लिए मुफीद है। 1 कप पानी में 5 ग्राम मराठी स्याह मिर्च, 5 अदद और लौंग 2 अदद, इन तीनों चीज़ों को थोड़ी देर तक उबाल लें। फिर छान कर इसका काढ़ा बना लें। 100 ग्राम जो 1 किलो चीनी में 10 मिनट तक उबाल कर इसमें 5 बड़े चम्मच शहद मिलाकर दें। गर्मी, थकान या ज़्यादा मेहनत करने के बाद सर में दर्द और बुखार हो गया हो तो 1 कप अनानास के रस में शहद डालकर पिएं। अगर गर्मी के बायस बुखार चढ़े तो 1 ग्राम फटकड़ी तवे पर भून लें, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर घोल लें। इसमें 4-5 स्याह मिर्च को पीस कर डालें। इसमें से मटर के दाने के बराबर गोलियां बना लें। रात को सोने से पहले 1 गोली पानी के साथ मरीज को दें। सुबह बेदार होने पर अदरक डालकर गर्म दूध पिलाएं। पसीना आते ही सारा बुखार उतर जाएगा। थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ लेकर खुशक कर लें, फिर इनको पीस कर चूरन बना लें। इनमें से 3-4 ग्राम की मकदार में चूरन लेकर गर्म पानी के साथ मरीज को दें। 100 ग्राम नीम की छाल को कूटकर बर्तन में रखें, फिर इसमें 1.5 किलो पानी उबाल लें। पानी जब 100 ग्राम बाकी रह जाए तो इसे सुबह शाम मरीज को पिलाना चाहिए। ये काढ़ा हर किस्म के बुखार के लिए तेज़ दुआ है। लट्ठी के पत्तों को कूटकर इसका रस निकाल लें। इस रस को मरीज़ की पेशानी पर मलें। गुलाब के पंखियाँ 10 ग्राम, 5 दाने स्याह मिर्च, 5 दाने इलायची, 10 ग्राम मिश्री, सबको पीस कर 4 बनाकर तैयार कर लें और मरीज को सुबह से शाम तक दें। अगर बुखार गर्मी की वजह से हुआ है, लौकी के छिलकों को पीस कर पाँव पर मलें। इन्हें तलों पर मलने से भी बुखार उतर जाता है। 1 लत्ती फटकड़ी की पैम में शहद या मछली के साथ इस्तेमाल करें। 2 अदद लौंग और थोड़ा सा चरायता लेकर एक साथ पीस कर इस्तेमाल करें, इससे बुखार फौरन उतर जाएगा। नीम के नरम पत्ते, 25 ग्राम फटकड़ी, दोनों को खरल कर लें। फिर इसकी 4-4 रत्ती की गोलियां बना लें। हर 4 घंटे बाद 1 गोली ताज़ा पानी के साथ अब इस्तेमाल करें। तुलसी की 10-11 अदद पत्तियां और 7 अदद स्याह मिर्च, इन दोनों को 1 कप पानी में मिलाकर उबाल कर काढ़ा बना लें। इससे भी बहुत जल्दी जो है फ़ायदा होगा। 1 चम्मच तरफला चूरन और 1.5 चम्मच पीपल का चूरन, दोनों को सुबह शाम शहद के साथ इस्तेमाल करें। 6 ग्राम अदरक के रस में इतनी ही मकदार शहद को मिलाकर चाटने से बुखार में काफ़ी फ़ायदा होता है। 4-5 अदद स्याह मिर्च 1 गिलास पानी में उबालकर मरीज को इसका पानी पिलाएं। 4 अदद स्याह मिर्च, 5 अदद तुलसी के पत्ते, 2 अदद लौंग, थोड़ी सी अदरक, 1 इलायची, इन सबको 1 कप पानी में डालकर उबाल लें। पानी जब आधा रह जाए तो इसे छान कर आहिस्ता आहिस्ता करके पिए, इससे बुखार फौरन उतर जाएगा। दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी जिन पर अमल करके आप बुखार से जान छुड़ा सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
अल्लाह हाफिज़।